राधे राधे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैं रूम खाली कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह रूम शिफ्ट किया हूँ। वहाँ से काफ़ी बेहतर यहाँ पे लोकेशन है और यहाँ पे रूम भी, फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं खिला रहा हूँ अभी डॉग्स को रोटी, ये रात में भी खिलाए थे। देखो माँ वहाँ पे है, लेकिन अपने बेटे को खाना क्या दे रही है यार, माँ को दे रहे हैं ना, माँ नहीं खा रही। देखो तो क्या है यार, माँ इतना दयालु क्यों होती है, माँ ही तो दुनिया को चलाती है ना। एक भी रोटी नहीं खा रही, एक भी रोटी रात में तो खाई थी यार। क्या है अब, क्या है, खाने के लिए दिए ना, दिए ना, वो तो क्यों नहीं खाया बताओ, खाना चाहिए था ना। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे 3-4 डॉग्स हैं, तो मैं उन लोगों को रोटी खिलाता हूँ। रात में रोटी खिलाया था तो आज भी रोटी खिलाता हूँ। चलो, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी टाइम 8 बज रहा है। आया हूँ अपनी छत पे वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि रूम में नेट एकदम भी नहीं चलता है। तो मैं अपनी छत पे आया हूँ और वाईफाई भी नहीं मिलता है, 1 GB डाटा मिलता है, तो इससे मैं वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ का कुछ लोकेशन इस तरह से है। दिख रहा है वहाँ पे, उस जगह पे, वहाँ पे इंटर साइंस कॉलेज है, उसी के बगल में जो पहाड़ दिख रहा है आपको, हिल, वो कन्हरी हिल है। तो यहाँ से मेरा रूम से यहाँ पे पास में पड़ता है, तो कभी जाएंगे कन्हरी हिल और आप लोगों को घुमाएंगे। और आप लोग तो इंटर साइंस का वीडियो देख ही लिए होंगे, इंटर साइंस कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एडमिशन प्रोसेस बताया हूँ उस वीडियो में मैं। जियो का नेटवर्क बहुत स्लो है यार, एक तो 1 महीना का रिचार्ज करवाता हूँ और 28 दिन का रिचार्ज देता है, और इतना स्लो नेटवर्क, वो भी हजारीबाग टाउन में यार, इतना घटिया है ना जियो, क्या बताऊँ, बहुत महंगा कर दिया है। लोगों को लगता है कि सस्ता कर दिया है जियो, लेकिन जियो सबसे महंगा है। 364 MB 27 मिनट हो गया है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है यूट्यूब में, तो समझ सकते हो कितना स्लो हो चल रहा है जियो। आपके शहर में इसी तरह है क्या जियो का नेटवर्क, कॉमेंट में बताइएगा। अभी टाइम हो रहा है 10:26 और जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। तो भाई देख रहे होंगे पीछे की खाना बना रहा है, तो देखते हैं आज क्या क्या खाना बन रहा है। और ये मेरा छोटा सा रूम है, कुछ इस तरह से जहाँ हम जाते हैं वहाँ छोटा सा मंदिर बना देते हैं, तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है और बैंगन का सब्जी भी कट रहा है, तो बैंगन का सब्जी बनेगा और चावल बनेगा। खाना बना करके आप लोगों से मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिए हैं, अब गेस्ट इधर आते हैं। मैं एक साथ दो दो चीज़ बनाऊँगा, ठीक है। कहाँ किया मेरा तावा, कहाँ किया, एक तावा रहा। मैं एक साथ रोटी भी बनाऊँगा और एक साथ सब्ज़ी भी मैं बनाने वाला हूँ, दोनों एक साथ। टाइम का इस तरह से टाइम का बचत होता है, तो एक साथ दोनों बनाने का प्रयास कीजिए। सब्जी है, इसका गैस हम कम कर देंगे और ये मीडियम में रखेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम सब्जी को डालेंगे। नमक डाल दिए हैं, अब इसको आराम से चला लेंगे, उसके बाद आराम से ढक देंगे, ठीक है। हम पहले रोटी को इस तरह लंबा कर लेते हैं, रख लेंगे, और इस तरह से हम चाकू से कट करेंगे जितना हमको पीस बनाना है उस तरह से। ये मेरा स्टाइल है, आपका स्टाइल क्या है आई डोंट नो। तो मैं इस तरह करके फास्ट फास्ट बना लेता हूँ, ठीक है। 2-3 ऐसे हम खाना पकाते हैं, ठीक है। रोटी भी अच्छा खासा बेल लेते हैं गोला गोला, तो इस तरह से रख करके आराम से बेलना है, ठीक है। तो बेलना कैसे है कि दोनों ही इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से बेलना है, ये बेलना है, एक चाकी है, इस तरह से बेलना है। मैं तो इसी तरह से पकाता हूँ भाई। स्टार्टिंग में जब हम हजारीबाग आए थे तो रोटी नहीं पका पाते थे, 4 कोना 5 कोना का रोटी बनाते थे, लेकिन अभी अच्छा खासा गोला बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की लाइफ में ये होता है कि वो जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक सीखोगे किसे, ठीक है। काम ही आदमी को सिखाता है। तो देखो रोटी मैंने बेल लिया, ये भी शायद थोड़ी देर और गर्म होने देंगे, उसके बाद डाल देंगे उसमें। रोटी किस तरह फुलाते हैं आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से पक गया है, यहाँ से रोटी उठाएंगे और इस पर आराम से दबेंगे, ठीक है। और आराम से देखना भी किस तरह फूल जाएगा, सब बहुत आसान से फूल जाता है, जो जो न्यू लोग रहते हैं उससे नहीं फूल पाता है। देखिए फूल गया आराम से, कितना आसान है यार रोटी बनाना, इतना मुश्किल भी नहीं, इतना मुश्किल हम सोचते थे
नहीं आता था तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, और आ जाने के बाद ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं रोटी बना रहा हूँ और इधर सब्जी को भी हैंडल कर रहा हूँ, एक साथ में सब बन जाएगा। 20 या 40 मिनट लगा होगा पूरा बनाने में, तो 17 रोटी और साथ में सब्जी भी बना लिए। तो चलो गैस बंद करते हैं, आज के वीडियो यहीं तक। आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। गुड नाइट, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।